हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानसी एंड आज का रिएक्शन वीडियो है सैमी के जो डिस ट्रैक था बड़ा पापा उसके रिप्लाई के ऊपर, जो कि आ चुका है अमन कलाकार की तरफ से। जैसा मैंने पिछली बार बोला था कि अमन कलाकार इसका आंसर ज़रूर देगा, बिकॉज जो बड़ा पापा है उसमें जो भी एलिगेशन लगाए थे अमन कलाकार ने, जो कि लगता है सैमी को कि एलिगेशन थे, उन्होंने उसका आंसर दिया है। तो थैंक गॉड इस बार की जो टाइटल है थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज मैं पापा बड़ा पापा एंड चाचा सुन सुन के थोड़ा पक गई, तो थोड़ा सा अलग सा टाइटल है। बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अगला जो अमन कलाकार की तरफ से रिप्लाई आए वो बुआ भूपा जी के ऊपर आए। तो थैंक गॉड टाइटल थोड़ा चेंज है। टाइटल है जो वो है झारखंड हिप हॉप 2021 अमन कलाकार। तो देख लेते हैं कैसा है वीडियो, फिर बाकी की बातें कर लेंगे। तो इसके लिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं रिएक्शन वीडियो। कुछ यूपी बिहार के लौंडे हमें डिस कर रहे हैं क्या? अबे मेरा गांव ही बिहार है। और क्या बोला था ये चाचा मामा पापा रैप से हटकर कुछ कर, तो ले इस बार असली हिप हॉप। हाँ 2016 याद मुझे आ रहा, 5 साल पहले की बात मैं बता रहा। 2017 में पहला गाना डाला, 2018 में काम को जा रहा, 2019 बोले का दीवाना, 2020 जाने का जमाना, बोला था मैंने करके दिखाया। झारखंड का लौंडा आज टॉप पे आया, चाट का बिहारी मेरा नाम कलाकार, यूपी बिहार से है बहुत ज्यादा प्यार, पर मुझे डिस करेगा तो छोड़ूंगा ना यार। बे बचकाना झाटू सा रैपर, शब्दों से पी लूंगा कहकर, तू बेटा खल्ली तो मैं अंडरटेकर, तू पिक्चर का हीरो मैं पिक्चर का लेखक, यहाँ तक आया बेदर्दों को सहकर। हाँ क्या बोला, मोगा है मोगा है मोगा है वो बेटा छक्का, तुम बेटा रोंगा, हम बेटा डीजे तुम बेटा चोंगा, मैं जो भी करूंगा वो तुमसे ना होगा। पैसा ना सा प्यार बहुत किया मैंने यार, 4 साल बर्बाद तभी नाम कलाकार, गैंग सोफा से बोल बहुत बार देखा यार, मैं तो फैजल खान सीधा ठोक दूंगा यार, कल पॉकेट में कट्टा आज पॉकेट में नोट, जमशेदपुर से मैं करता विस्फोट, लोकल है स्लैंग मतलब हेटा हेटा रोल, मतलब अचानक मार सीधा भयानक गोल, घाटा है तेरा जो मुझसे भिड़ेगा, पापा को पिल दिया तू क्या करेगा, तेरी मरने की खुशी में बकरा कटेगा, गली चौराहे में सब में बटेगा। ओके मेरा एक सेकेंड, ओके तेरे मरने की खुशी में बकरा कटेगा, काफी अच्छा आंसर दिया है यहाँ पर अमन कलाकार ने। एंड जैसा बोला कि तूने क्या बोला था, मोगा है मोगा है मोगा है तू छक्का है, इसने यहाँ से बोला था, उसने मोगा है बोला था, तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग से यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि अभी फिर ये आगे खींचने वाला है, तो देखते हैं। आपका छक्का तू इंडिया में बैन, डिस किया मुझे तुझे चाहिए था फेम, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, डिस गेम का बादशाह है मुझको मत सिखाना, नाम कलाकार बोले असली है भाई, बचकाने रैपर सब नकली है भाई, मेरा साथ देने वाला मेरा बम बोला भाई, अभी आने वाला मेरा एल्बम मेरा भाई। ये है झारखंड हिप हॉप, झारखंड है झारखंड है झारखंड हिप हॉप, हाँ ये है झारखंड हिप हॉप, झारखंड को लेके मैं आया पे टॉप, हाँ ये है झारखंड हिप हॉप, झारखंड है झारखंड है झारखंड हिप हॉप, हाँ ये है झारखंड हिप हॉप, झारखंड को लेके मैं आया पे टॉप, लोगों को लगा मैं आशिक आवारा, 3-4 गर्लफ्रेंड फिर भी कुवारा, मेरे घर वालों का एक लौता सहारा, पर नशों की आदत ने मुझे बिगाड़ा, कुछ लोगों को लगा चूतिया बना रहा, पर गानों में अपने में सच्चाई बता रहा, छोटा छोटा बच्चा लोगों मेरा गाना गा रहा, मुंबई और दिल्ली से कॉल मुझे आ रहा, झारखंड का लौंडा आज लाखों का मारा, चच्चा है गाना मेरा मिलियन में जा रहा, मेरी एक्स को पटा मैं तेरी बहन को घुमा रहा, 5-star होटल में खाना मैं खा रहा, ये गैंग नहीं ये है मेरा परिवार, ज्यादा नहीं बस 3-4 यार, राजू भाई मेरा पूरा वफादार, मुझे बंदी से नहीं अपने गैंग से प्यार है। हाँ कलाकार कलाकार J05 JSR ईस्ट साइड मदरफकर असली हिप हॉप। ओके डांस स्टेप्स करने की भी कोशिश की है उसने पूरी। हेलो गाइस, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है fungame.live ने, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्पॉन्सर्ड वीडियो है भाई, आप आसान सवालों के जवाब देख के बहुत ही पैसा जीत सकते हैं। मैंने लगी लड़के को जिस गेम में लाइव आता हूं, तो जिसने इस गेम को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक मैंने दे दिया, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा गाना हर महीना आएगा और मचाएंगे हम, बचाएंगे एवरीवन टाइप की याद आ गई सेकंड। ओके गाइस, तो ये था अमन कलाकार का न्यू रैप सॉन्ग। अच्छा वो कहता है कि तू मुझे डिस करके फेमस हुआ, ये कहता है कि तू मुझे डिस करके फेमस हुआ, अब ये समझ में नहीं आता है कि किसने किसको पहले किया। और हालांकि ये चीज़ सच है कि फेमस तो देखो दोनों ही हो गए हैं, ये भी और वो भी। एंड जैसा बोला कि मुझे मुंबई से काफ़ी कॉल आने लगे हैं एंड स्पॉन्सरशिप भी मिलने लगी अमन कलाकार को, लोग उसको पहचानने लगे हैं,
ऑब्वियस सी बात है भाई, इंडिया है, इंडिया में लोग नॉर्मल सॉन्ग्स नहीं दूसरों के झगड़े को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो देखो फ़ायदा दोनों को ही हो रहा है। एंड जैसे वो बोल रहा है कि मैं झारखंड का रैपर हूँ एंड मैं झारखंड को आगे लेके जा रहा हूँ हिप हॉप में, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई झारखंडी रैपर नहीं सुना था, फर्स्ट टाइम मैंने अमन कलाकार को सुना है, वो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट से, बिकॉज आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की कि काफ़ी भयंकर वाली लड़ाई चल रही है, तो अगर आपने इसके ऊपर रिएक्शन दिया, पापा के ऊपर, तो चाचा के ऊपर भी रिएक्शन दो। एंड जो लड़का है काफ़ी अच्छा कर रहा है अपनी तरफ से। एंड इस बारी थोड़ा सा अलग था, पिछली बारी तो काफ़ी सारा मतलब वो था कि मतलब क्या बोलूँ मैं, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए थे। इस बारी जो प्रॉपर हिप हॉप है वो करने की कोशिश की है, लिरिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल हैं लेकिन अच्छी हैं, सुनने में आपको अच्छी लगेंगी, एक नए रैपर के हिसाब से काफ़ी अच्छा लिखा है। तो बस यार मैं तो यही बोलूँगी कि देखो कोई भी हो, उसको फ़ायदा हो रहा हो, तुमको फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन ये बात तो है कि लोग तुम दोनों को अब जानने लगे हैं। एंड इन दोनों के ही सॉन्ग्स रील्स पे काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, लोग काफ़ी रील बना रहे हैं, बड़े बड़े सेलेब्स रील बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एंड मोगा है वाली जो बात उसने बोली कि तूने मुझे मोगा है बोला, तो मैंने तेरे को छक्का है बोला। एंड बंदी वाली वो बात फिर से बोल रहा है बीच में कि तू मेरी ऐश को पटा, मैं तेरी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा। ओके, तो गर्लफ्रेंड वाली बात फिर से है, जैसे कि पिछली बार ही बड़ा पापा में सैमी ने कहा था कि कोलकाता की लड़की वह कुछ कहेगा तो हम पेलेंगे ही, तो यहाँ पर फिर से गर्लफ्रेंड वाली बात बीच में आई है। एंड मिलियंस ऑफ डॉलर में कमा रहा हूँ, मतलब मेरा जो गाना है वो मिलियन में जा रहा है, मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, यहाँ पर अमन कलाकार ने ये कह दिया है। तो देखो कुछ भी हो बात, लेकिन बात तो ये है कि फ़ायदा तो दोनों को ही हो रहा है ना, और इंटरटेनमेंट हम लोगों को मिल ही रहा है। तो देखते हैं कि सैमी इसका रिप्लाई करता है या नहीं करता है, बट हाँ रैप सॉन्ग अच्छा था। ये बोलूँगी कि इस बारी कम से कम ऐसे वर्ड्स हैं जो उन्होंने यूज़ करने से वो बचे हैं, जो कि सुनने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है और सही भी नहीं होता है ज़्यादा गाली गलौज करना। एंड अच्छी बात है कि उसको एल्बम मिलने, एल्बम की बात उसने की कि मुझे मेरी अगली एल्बम आने वाली है, तो बहुत अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, अगर आप मेहनत करोगे तो एल्बम भी आएगी। एंड देखते हैं कि लड़ाई कितने आगे तक खींचने वाली है, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन अभी फिर अभी इसने आंसर दे दिया तो पक्का सैमी का भी रिप्लाई आएगा ही, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो मैं यही बोलूँगी कि अमन कलाकार का ये रैप सॉन्ग काफ़ी सही है, एंड डांस स्टेप्स भी इन्होंने काफ़ी किए हैं लास्ट में, मतलब लोगों को दिखाया कि हाँ भाई मैं डांस भी कर सकता हूँ, तो अच्छा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा भी नहीं बोलूँगी, बट हाँ अच्छा है इनका रैप सॉन्ग। तो कैसा लगा गाइस आपको ये वीडियो एंड इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन, कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में नीचे। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि कई लोग क्या है ना कि जब डिस्ट्रैक्ट के ऊपर रिएक्शन देता हूँ, जैसे कोलकाता वाले हैं कोलकाता के ऊपर रिएक्शन दो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं झारखंड के ऊपर रिएक्शन दे तो डिसलाइक मार के चले जाएंगे बेवजह, कि नहीं सैमी ही अच्छा है, और जो अमन कलाकार वाले हैं वो सैमी की वीडियो पर डिसलाइक मारने की बोलेंगे नहीं अमन ही अच्छा है। तो देखो हमारे दोनों ही अच्छे हैं, हमारा काम है रिएक्शन देना और हम दोनों के ऊपर रिएक्ट करें, तो ये बच्चों वाले काम मत किया करो प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में आके बच्चों वाली हरकतें मत किया करो एंड ऐसी बातें मत लिखा करो। तो फिलहाल यहीं पर करी वीडियो ख़त्म, और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट कर दिया कमेंट बॉक्स में, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो आप लोग। तो मिलती हूँ आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।